हाउ टू एक्सपोर्ट एल्युमिनियम बोतल फ्रॉम इंडिया। एल्युमिनियम बोतल इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां से वो इंपोर्ट कर रहा है, कौन कौन इंपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि 8 लाख रुपए आप इससे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप एल्युमिनियम की बोतल आप एक्सपोर्ट करते हैं तो किस तरीके से आप 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, एक एक कैलकुलेशन आपके लिए लेके आपका टाइम सेव करने के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, इसको ध्यान से आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यही बात कर लेते हैं किस तरीके की जो एल्युमिनियम बोतल है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो इस तरीके की जो छोटी बोतल है आपने देखी होगी, छोटी बोतल इस तरीके की बोतल एक्सपोर्ट होती है। ये हाफ लीटर वाली या 1 लीटर वाली जो एक्सपोर्ट एल्युमिनियम की बोतल है वो एक्सपोर्ट होती है। ऐसी वाटर वाली जो बोतल है, वाटर वाली बोतल, या फिर इसमें अंदर एल्युमिनियम है और बाहर प्लास्टिक है, इस तरीके की बोतल भी कई बार आपने देखा होगा। आप ये 500-500 रुपये की, 1000-1000 रुपये की भी बोतल चली जाती है और आती बहुत सस्ती है। तो इसमें आप देखिए कि आगे कैसे कैसे इसमें आप पैसा बना सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट भी चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि एल्युमिनियम के प्रोडक्ट या एल्युमिनियम की बोतल स्पेशली अगर हम बात करें कि वो एक्सपोर्ट हो, तो उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबी के आपको यहाँ पे 1.3% मिल रहा है, 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का सीधा सीधा 1.3% आपको मिल रहा है, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर मैं IES की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो आपको 3% मिल रहा है। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको 3% मिल रहा है, और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आपको नहीं मिल रहा है। अगर मैं RODDP की बात करूं, रोड टेप यानी जो पहले MEIS था, MEIS अभी वो RODDP हो गया, रोड टेप यानी रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो 1.2% मिल रहा है, 1.2% ऑफ योर FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, उससे पहले बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई करते हैं कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, जो हमने 17 सालों में पूरा सेल्फ एक्सपीरियंस करके सीखा है वो पूरा आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 8 लाख रुपए आप इससे कैसे कमा सकते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन मैंने आपके लिए लिख के लेके आया हूं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो जब आप इसको बाय करते हैं तो आपको 70 से 80 रुपए का एक पीस पड़ जाता है कॉपर ये एल्युमिनियम बोतल का। तो बेसिकली जब आप इसको अगर 25,000 पीस खरीदते हैं 80 रुपए के हिसाब से खरीदते हैं, तो 20 लाख रुपए का आपका बाइंग प्राइस हो जाता है, और 1 लाख रुपए मैं उसमें ऐड कर देता हूं जो लोकल इंश्योरेंस का खर्चा यानी गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, या फिर लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, या फिर पैकेजिंग का खर्चा, या कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, CHA का खर्चा, टर्मिनल हैंडलिंग का खर्चा, ये टोटल जो खर्चे होते हैं उनको मैं टोटल 70 से 80 हज़ार रुपये का लगभग खर्चा आता है, उसको मैं 1 लाख रुपीज लिख लेता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए। सो ये आपका 20+1 यानी 21 लाख रुपीज का हो गया। सो अब इसमें गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, डीबी के मिलता है, RODDP मिलता है, और GST मिलता है। सो ये जो बेनिफिट है आपको वापस मिलने वाले हैं, इसलिए हम इसको फाइनल बाइंग प्राइस से डिडक्ट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है टोटल कितने मिल रहे हैं, 20.5% के गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर उसको मैं मॉनिटरी फॉर्म में बात करूं तो बेसिकली वो 4.10 यानी 410,000 रुपये का मुझे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो कि मुझे वापस आने वाले हैं, तो मैं फाइनल बाइंग प्राइस से उसको माइनस कर सकता हूं। सो फाइनल बाइंग प्राइस हुआ 20 लाख माइनस 4.1 लाख, यानी हो गया 16.90 लाख रुपीज, जो मेरा फाइनल बाइंग प्राइस हो गया वो लगभग 17 लाख रुपए, यानी 16.9 लाख, यानी 17 लाख रुपए का आपका मेरा फाइनल बाइंग प्राइस हो गया। अब सेल कितने में होता है, सेल बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ पे होता है, तो ये 100 रुपीज से 150 रुपए, कई बार 200-200 रुपए की भी बोतल जाती है, लेकिन हम एक एवरेज प्राइस लेके चलते हैं, जो कि एक एवरेज एक्सपोर्टर भी इससे आप कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके। तो जब आप इसको अगर 100 या 50 रुपए की भी आप इसको सेल करते हैं, यानी 100 रुपीज की सेल करते हैं, 80 रुपए की खरीदी आपने और 100 रुपीज की आपने इसको सेल कर दिया, 80 रुपए का खरीदा, 100 रुपीज का सेल कर दिया, 25,000 पीस आप इसको खरीद रहे हैं, तो 25 लाख रुपए का आपका सेल हो जाता है। 25 लाख रुपए का आप इसका सेल हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो बताइए सर।
तो नेट प्रॉफिट हो गया 25 लाख माइनस 16.90 लाख, ये हो गया 8.10 लाख रुपीस, यानी 8 लाख रुपए आप इससे आसानी से कमा सकते हैं। एक एवरेज एक्सपोर्टर भी कमा सकता है एक्सपोर्ट करके एल्युमिनियम बोतल का। अगर मैं बात करूँ सर इसमें कहाँ पे एक्सपोर्ट करें वो बताइए, तो जो टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पायदान पर आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना डिपेंड कर रहा है, एज पर वोल्जा डाटा यूएसए 5000 शिपमेंट्स खरीद रहा है एल्युमिनियम बोतल का पर ईयर। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे यूएई आता है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी जिसको आप दुबई के नाम से जानते हैं। सो यूएई 4500 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है एज पर वोल्जा डाटा। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे सऊदी अरबी आता है जो गल्फ कंट्री है, तो सऊदी अरेबिया भी 2300 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है एज पर वोल्जा डाटा। यूके भी 1400 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है एल्युमिनियम बोतल का। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो फिफ्थ नंबर पे इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया भी 1000 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है एल्युमिनियम बोतल का। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं कि सर इसमें एचएस कोड क्या लगता है, क्योंकि शिपमेंट करने के लिए आपको एचएस कोड की जरूरत पड़ेगी, सो बेसिकली 76 नंबर चैप्टर में आता है ये प्रोडक्ट एल्युमिनियम बोतल, और इसका 12 नंबर सब चैप्टर आता है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 76, यानी 761290 90। आप इसको इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रोसेस की, सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, तो एक्सपोर्ट के प्रोसेस लगभग सभी प्रोडक्ट के लिए सेम है, कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना रहता था, तो प्रोडक्ट को आज हमने सिलेक्ट कर लिया, हमारा प्रोडक्ट है एल्युमिनियम बोतल। एल्युमिनियम बोतल हमें एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए फिर हमें बायर फाइंड करने, तो बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स जो मैं अपनी ट्रेनिंग में समझाता हूँ सिखाता हूँ, वो आप सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर आपने ट्रेनिंग भी नहीं लिया, या फिर आप उसमें ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना चाहते, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा है तो पैसा फेंको तमाशा देखो, आप डायरेक्ट वोल्जा का डाटा ले सकते हैं। हमने भी वोल्जा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वोल्जा का सब्सक्रिप्शन आप डायरेक्ट उनसे लेते हैं तो महंगा पड़ता है, आप हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट के साथ में मिलकर ले लेते हैं तो आपको शेयर बेसिस पे सस्ता पड़ जाता है। आपने जब बायर फाइंड कर लिया, अब आपको बायर को वेरीफाई करना है कि भाई कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपको टोटल मेथड्स बताए हुए हैं, टोटल ट्रिक्स बताई हुई है, वो सारा आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए। जब आप पूरा सेटिस्फाई हो जाए कि अब मेरा बायर पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुका है, फिर आपको बायर को कन्विंस करना है कि बायर को कन्विंस कैसे करूं, Why should I buy from you, gentlemen? मैं आपसे क्यों खरीदूं? What is your USP? जो वो टोटल आपको ट्रिक्स आपको सिखाई हुई है मैंने, वो सारी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इसमें आ जाता है आपको 100% एडवांस, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको जब इसमें एडवांस पैसा आ गया, फिर उसका कर दीजिए आप BRC, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी जो आजकल होता है EBRC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि बैंक से आपको 70 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, या फिर 100 रुपये, या 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये भी लोग जो बैंक है डिफरेंट इसका चार्ज करते हैं, तो इट इज़ टोटली निगोशिएबल, आप बैंक के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, तो इसमें कैपेक्सी लग जाती है बेसिकली, जिसका प्राइस आप 7500 रुपये, 14000 रुपये से भी आप इसका RCMC ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करूँ, यानी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है हम लोग, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एल्युमिनियम बोतल। सो हम लोग एज पर वोल्जा डाटा 28000 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं पर ईयर। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है, फ्रांस 10000 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट कर पा रहा है एल्युमिनियम बोतल का पर ईयर। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं कि थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो यहां पे चाइना आता है, चाइना 10000 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट कर पा रहा है एल्युमिनियम बोतल का। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं, तो फोर्थ नंबर पे जर्मनी आता है, जर्मनी भी 9000 शिपमेंट्स पर ईयर कर पा रहा है एल्युमिनियम बोतल का। इटली भी 8600 शिपमेंट्स कर पा रहा है एल्युमिनियम बोतल का एक्सपोर्ट फ्रॉम इटली टू डिफरेंट कंट्री। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा, डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट में बड़े चाव से, बड़े दिल की गहराइयों से उनको रीड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप उसको कमेंट करते हैं।
उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, हमें भी इम्प्रूवमेंट करने का भी उसमें सजेशंस भी आते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, पूरा इनबॉक्स भर दीजिए, पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, ताकि मैं रीड करता रहूँ, समझता रहूँ और पढ़ता रहूँ और उससे कुछ सीखता भी रहूँ और आपको कुछ सिखाता भी रहूँ। और हमेशा की तरह से आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.